हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आदिल, की 11 सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन कोच। आज हम बात करने वाले हैं अभी तक के सबसे बड़े जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल की लाइफ में, डेली लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, बढ़ता वजन, वेट गेन या फैट गेन, जो कि आजकल हर किसी में आम है। तो अभी ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है आज के जनरेशन में, ओल्ड एजेस में, तो ये हम देखेंगे। टीनेज बच्चों की बात करते हैं पहले। बच्चे जो कि पहले के और अभी के समय में क्या फर्क है। पहले के समय में बच्चे बाहर खेल कूद करते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से कि वो मशहूर रहते थे। अभी के बच्चे कैसे रहते हैं, शुरुआत से ही उनको हर एक चीज़ें सामने परोसी दी जाती है। बाहर खेलना नहीं है क्योंकि घर पे यूट्यूब अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो सब कुछ इंटरनेट पे ही वो खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, सब कुछ यहाँ पर मोबाइल पे ही वो गेम वेम सब वहीं खेल लेते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले के समय में सब बाहर जाया करते थे। और टीनेज की बात करूँ तो आजकल के कॉलेज डेज में बच्चे जो रहते हैं, और टीनेज इन द सेंस 15, 17, 18 से 30 के अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं, उम्र वाले बच्चों की, तो उनका सीन कैसा है। पहले के समय वाले मेहनत करते थे, दूर जाते थे घर से, और वो दूर जाते थे, मेहनत करते थे, उनका कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, खाने पीने का इतना कोई ठिकाना नहीं होता था, सब सही खाते थे और अपना काम में मशहूर रहते थे, जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, लाइफ में मोटापा नहीं था, कोई अलग प्रॉब्लम्स नहीं थी, बीमारियाँ नहीं थी। आज के समय में काफ़ी हो गई, और आज के समय के बच्चे को आप देख सकते हो कि ऑफिस जाएंगे, कॉलेज है तो कॉलेज जाएंगे या बंक आउट करेंगे, बाहर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ऑफिस की बात करो तो ऑफिस वाले जो होते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के ऑफिस जाएंगे, एसी में जाके बैठ जाएंगे, और शाम में 7-8 घंटे एक जगह पर बैठे रहना, बैक पेन का इशू आ जाता है और इनको, फिर घर पे आना, फिर वही खाना पीना सोना, ये सब चल रहा है। और फिर जिसकी वजह से कि अलग अलग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जिससे कि थायराइड थायराइड होता है, जैसे कि बीमारियां काफ़ी सारी है, बीपी, शुगर, फैटी लीवर, ऐसे सब काफ़ी चीज़ें। आजकल तो लोग अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर और कुछ भी सारी प्रॉब्लम्स है वो भी सब हो रही है, कैंसर हो रहा है। और ओल्ड पीपल्स की बात करूँ तो पहले के समय में जैसे कि वो रिटायरमेंट नहीं हुआ करती थी, पहले की रिटायरमेंट नाम का शब्द पहले था भी नहीं इतना कुछ, तो रिटायरमेंट तब के टाइम में जो बूढ़े हुआ करते थे फिर भी वो खेती किया करते थे, बाहर जाया करते थे, दोस्तों के साथ बैठा करते थे। आजकल वही बूढ़े भी मोबाइल में लग जाते हैं ज़्यादातर, और बाहर जाना नहीं है, रिटायरमेंट का होता नहीं है, 60 की एज तक 50 की एज तक लोग काम करते रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं, मतलब उनकी उम्र, लाइफ स्पैन भी आजकल कम हो गई है। पहले के समय में लाइफ स्पैन भी 90 ईयर्स 100 ईयर्स की हुआ करती थी, क्योंकि अभी होकर रह गई सिर्फ 60-70, क्योंकि बीमारियां बूढ़े होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि उनकी उम्र ही कम हो जाती है। कुछ लोग तो उससे उनकी डेथ हो जाती है, थायराइड हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, किसी को क्या, बहुत सारी बीमारियां हो गई है। सबका एक ही रीज़न है, वेट गेन होना, और वो है लाइफस्टाइल में चेंज आना। लाइफस्टाइल में चेंज आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी के समय में उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी वीक हो गई है, खाना अच्छा नहीं है, घर बैठे बैठे खाना आ रहा है, बाहर ज़्यादा टेस्टी खाना और न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं है वो सब, फिर भी लोगों को टेस्ट देखकर लोग उसे मंगवाते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, घर बैठे बैठे खाना मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको बेड पर ही मिल जाएगा, इतना सब कुछ हो गया जिसकी वजह से कि एक जिम तक ज्वाइन नहीं करना चाहता इंसान। पता है जिम होता है लेकिन जिम ज्वाइन नहीं करना चाहता। जो लोग करते हैं वो फिट हैं अभी के टाइम में, जो लोग नहीं करते हैं वो बीमारियां लेकर बैठे हैं, और जिनको एंड में समझ आता है फिर वो 50 की एज में जिम ज्वाइन करते हैं जबकि बीमारियां ऑलमोस्ट उनको हो ही चुकी है सब की सब। तो इसे क्योर कैसे करना है, मैंने बताया कि हुई क्यों, तो इसे क्योर कैसे किया जाता है, सिंपल है। कोई अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसका सॉल्यूशन आपको कोई ऐसे इजी वे में, इजी टू एक्सेस हो और एकदम सिंपल सॉल्यूशन हो, तो आप 110% फॉलो करना चाहोगे इसे। ओके, तो सॉल्यूशन ये है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ानी है, लाइक जिम ज्वाइन कर सकते हो डेली 30-40 मिनट्स, मिनिमम बता रहा हूँ, 30-40 मिनट्स आपको वर्कआउट करना चाहिए।
कार्डियो करना ही चाहिए। ओके, और आपकी डाइट में आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपका फूड जो रिच कार्बोहाइड्रेट होता है उसे टोटली निगलेक्ट करो। कार्ब्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट उसका काम होता है जो कि एनर्जी देना बॉडी को, जो हमें डेली एक्टिविटीज कर सके जिससे कि, लेकिन उसका एक्सेस अमाउंट में जो हम आजकल के टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से फैट गेन हो रहा है, वो आप निगलेक्ट करो या कम से कम खाओ तो आपका फैट नहीं गेन होगा। उसके अलावा में अगर आप वो ना खाओ तो क्या खाएंगे? आप वो खाएंगे जिससे कि आपको एनर्जी मिले, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बने। रिच फैट फूड्स और रिच इन प्रोटीन फूड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।